सत जी सारियां नू वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धू। सो आज अपन डिस्कस करना है कि व्हाई वी फेल। ये ना सोचो कि यह बहुत आम गल है, ठीक है, फेल तो हो गए, पेपर औखा आया सी, ठीक है। नहीं जी, यह जरूरी नहीं हुंदा कि पेपर औखा सी असी तां फेल होए हां। कुछ एहो जे पॉइंट्स असी ड्यूरिंग प्रेपरेशन गलतियां कर जाने हां जो सानू बाद विच फेलियर सानू मिलती है, ठीक है। सो अज इस वीडियो दे विच असी यही डिस्कस करना है कि केड़े ओहो जे पॉइंट ने जिन्ना करके असी फेल हो सकते हैं। तो तुसी इस वीडियो नू पूरा वेखना है ते इहदे विच ओह पॉइंट जरूर नोट करने हैं कि किते तुसी ओह गलतियां तां नहीं कर रहे, और अगर तुसी ओह गलती कर रहे हो तो तुसी उस गलती नू इत्थे ही स्टॉप कर दो, सो दैट फेलियर ना मिले, ठीक है। सो देखते हैं इस वीडियो नू। पहला है जी लैक ऑफ इंट्रस्ट, ठीक है, यानी कि थोड़ा आपदा तो कोई इंट्रस्ट है नहीं सीगा, ठीक है, पर तुसी भेड़ चाल विच कह लो या किसी दे मगर लग के, है ना, या पेरेंट्स के कहते या वैसे ही, है ना, तुसी कोई सोच लिया कि असी उस पेपर की तैयारी करनी है, है ना, बट थोड़ा इंट्रस्ट है नहीं। हुण फॉर एग्जाम्पल तुसी देखा कि ETT विच ना बहुत पोस्टा निकल रही ने, है ना, तुसी प्लस टू तो बाद ETT कर ली, ठीक है। हुण वेखो, जरूरी तो नहीं कि क्योंकि थोड़ा तो इंट्रस्ट है नहीं, पहली गल, है ना, थोड़ा इंट्रस्ट सेगा फॉर एग्जाम्पल डांस दे विच, है ना, या म्यूजिक विच, या होर बहुत चीज़ा ने, है ना, गेम्स दे विच इंट्रस्ट सेगा, या तुसी इंजीनियर बनना चाहते सीगे, डॉक्टर बनना चाहते सी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब यू चूज ETT, राइट, तो उत्थे तुहानू सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो तुसी कदे भी लाइफ च सैटिस्फाइड नहीं होवोगे, यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड, ठीक है। सो इदां दी सक्सेस नू की करना है? सो अजे भी वेख लो, अगर तुसी पेड़ चाल करके किसी दे मगर लग के इस राह नू चुनिया है तो इस राह नू छड्ड दो, जिस विच तुहाडा इंट्रस्ट है उस रस्ते वल मुड़ जाओ, ताकि जिंदगी दी उस स्टेज पर पहुँच के तुहानू पछतावा ना पवे, ठीक है, ते आपदे उस फील्ड दे विच तुसी बेस्ट कर पाओ, ठीक है जी। हुण नैक्सट देखते हैं, लैक ऑफ गाइडेंस, यानी कि तुसी इंट्रस्टिड हो, ठीक है, तुहानू मतलब पूरा इंट्रस्ट सीगा कि हाँ तुसी PCS करना या UPSC करनी या तुसी टेट का एग्जाम देना या तहसीलदार का देना, है ना, पर हुण गल ये है कि गाइडेंस है नहीं। तुसी सिलेबस वेख लिया, थोड़े बहुत पेपर वेख ले, तो बे चल पे दे तेरे दे करी तैयारी सारा साल, फेल दे तेरे दे अगले साल की ते फिर फेल, क्यों? क्योंकि गाइडेंस ही नहीं सी, किसी ने दसे भी नहीं हाँ नहीं पढ़ना या किमें पढ़ना है, है ना, किसी ने नहीं दसिया, तो देखो फिर सक्सेस कितना मिलेगी तुहानू, ठीक है। सो गाइडेंस इन्नी ज़्यादा जरूरी है, उन्ना पढ़ना जरूरी नहीं है जिन्नी कि गाइडेंस जरूरी है। सो हाले भी अगर थोड़े कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, तो काइंडली आपका गाइड एंड मेंटर चुन लो, सो दैट तुहानू फिर फेलियर का सामना ना करना पे, ठीक है। अगला है कि ग्रीड ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का लालच। सपोज तुसी एक दिन पढ़े, दसवें दिन तुसी कोई टेस्ट दिता, है ना, टेस्ट चो नंबर नहीं आए, ठीक है, छोड़ो जी ये पेपर पुपर नहीं निकलते होंगे, ठीक है, रिजल्ट जिन्ना मर्जी पढ़ लो नंबर तो आते नहीं, के ये तो तुक्के तुक्के लगने, है ना, तुक्के ला के कर लाँगे, उन्हें कहा सी कि उन्हें तो तुक्के लाए सी उदा निकल गया। देखो यह मन च लालच नहीं लिया, अगर यही लालच लियाओगे तो एक पंजाबी की कहावत है ना कि नीतां नूं भाग लगते ने, है ना, तो जे नीतां सच्चियां होणगियां ते तां ही मुरादां मिलणगियां। सो आपदी मेहनत नूं कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, हार्डवर्क करो, मंजिल जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। जरूरी नहीं है कि जिहदी तैयारी कर रहे हो वह मिलेगी, अरे लाइफ विच होर बहुत मौके ने, बहुत ऑपरचुनिटीज़ ने, तुसी किसी भी रस्ते नूं चुनोगे
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।